हे गाइस, अगर आपने डोमेन एंड होस्टिंग परचेस कर लिया है जिसमें आपको ईमेल अकाउंट्स का भी ऑप्शन मिलता है आपके होस्टिंग में, आप 10, 20 जितने भी आपकी कैपेसिटी होंगी होस्टिंग के, वहां से आप अपने ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लेकिन कैसे क्रिएट करना है ये आज के वीडियो में आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल कि कैसे आपको अपने ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे उसको आप देख सकते हो, कैसे आप वहां से ईमेल कर सकते हो। तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको अपना सी पैनल ओपन कर लेना है, जो भी आपकी होस्टिंग होंगी वहां से आपको सी पैनल ओपन कर लेना है, और जो भी आपका डोमेन होगा आप वो वहाँ से ओपन कर ले। आप ये सी पैनल पे जैसे ही विजिट करेंगे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलेगा क्रिएट एन ईमेल अकाउंट का, नहीं तो आप ईमेल्स वाले कैटेगरी में जाके भी क्रिएट ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्रिएट करेंगे अपने बिजनेस मेल आईडी। तो सबसे पहले आपको अपना एक यूज़र नेम दे देना है, जिस आईडी जो भी आप नाम रखना चाहते हो अपने ईमेल आईडी का, जैसे कि मैं रखना चाहता हूँ आयुष लोहिया @govardhan.in। तो ये हमारा प्राइमरी डोमेन है, आप यहाँ पे 20 अवेलेबल्स भी दिख रहा है। पासवर्ड आप यहां से सेट कर सकते हो, सेट पासवर्ड नाउ। तो यहां पे आपको अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैपिटल अल्फ़ाबेट्स रहे, उसमें सिंबल्स भी रहे और लेटर्स भी रहे और न्यूमेरिक वैल्यू भी रहे। तो ये ध्यान रखना है आपको, अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है आपके बिजनेस मेल आईडी का, क्योंकि बिजनेस मेल आईडी आप यूज़ करते हो अपने बिजनेसेस के लिए, काफ़ी अच्छा इससे लुक आता है आपके बिजनेस का भी, और लोगों को शेयर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो जैसे ही हमारे पासवर्ड सेट हो जाता है आप नीचे देख सकते हो एडिट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ से आप इसका स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो। जैसे कि आपको जीमेल पर पता होगा इस पर आपको 15 GB मिलता है, लेकिन आप यहाँ से अनलिमिटेड कर सकते हो आपके होस्टिंग के साइज़ के हिसाब से। तो सिंपली यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्रिएट। तो सिंपली आपको यूज़र नेम और पासवर्ड ही यहाँ पर चूज़ करना है। तो आप यहाँ से मल्टीपल ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हो, मैं यहाँ से फ़िलहाल अभी दो ही करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो 19 में से 1 यूज हो चुकी है, तो फिर से मैं एक क्रिएट कर देता हूँ। आपके होस्टिंग के हिसाब से आप जितने आपको अलाउट हुए हैं, अगर आपकी होस्टिंग में ओनली 12 आपने अपने अगर परचेस की है, अगर आपने 20 30 40 ऐसे परचेस किए, तो आप यहाँ से मल्टीपल ईमेल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर अभी मैं कर रहा हूँ sales@govardhan.in, और यहाँ पर मैं पासवर्ड भी सेट कर दिया हूँ, और इसको भी अनलिमिटेड में स्टोरेज कर देता हूँ। इसको मैं कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ, अगर मेरे हिसाब से मुझे रखना है एमबी में, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो अगर आपको इसको एक्सेस करना है अपने ईमेल आईडीज को, तो आपको सी पैनल पे आना है, और यहाँ पे चेक मेल का आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप डायरेक्टली इस लिंक को कॉपी कर ले अपने इसमें, जब कभी भी आपको खोलना होगा तो डायरेक्टली आप वेब में लॉग इन कर सकते हो उस लिंक से, आपको बार बार सी पैनल में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पर हमारा वेब मेल ओपन हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सेटअप ईमेल ऑन योर डिवाइस, अगर आपको एंड्रॉयड पे एप्पल पे सेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली इस ऐप को भी ओपन कर सकते हो ओपन सोर्स वेबमेल सॉफ्टवेयर के थ्रू। आप इसको सिंपली ओपन कर दीजिए, इसके अंदर आप सारे अपने ईमेल्स देख सकते हो, जैसे जीमेल में आप देखते हो वैसे आप यहाँ से अपनी ईमेल आईडी के जितने भी एसएमएस हैं वो यहाँ पे देख सकते हो, ईमेल्स देख सकते हो। जैसे कि sales@govardhan.in ये हमारा है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले मैसेज आया है, ईमेल आया है, जो एक डमी करके बोल सकते हैं या फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन ईमेल। तो आप इसकी मदद से अपने सी पैनल की मदद से आप डिलीट भी कर सकते हो अपनी ईमेल आईडीज, और बाद में क्रिएट भी कर सकते हो। तो सारा डेटा आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, अगर आपको कनेक्ट करना अपने मोबाइल से तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं सजेशन दूंगा, अगर आपको अपने बिजनेस वाली ईमेल आईडी चलाना है अपने मोबाइल पे, तो आप आउटलुक का यूज़ कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का। तो सी पैनल की मदद से आप इजीली अपने ईमेल आईडीज क्रिएट कर सकते हो, वहाँ से आप डेटा उसका मैनेज कर सकते हो, वहाँ से सेंड ईमेल भी कर सकते हो, बहुत ही ईजी है, और आप इसको ज़रूर यूज़ करिए, मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। तो गाइस आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक पे, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है वर्डप्रेस रिलेटेड, होस्टिंग डोमेन रिलेटेड, तो नीचे आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो ज़रूर मैं उस कमेंट का रिप्लाई दूंगा आपको। सो आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।